मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। टाइम हो रहा है 6:30 और हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन के लिए। दिल्ली वाली ट्रेन बचाओ क्रॉस कर चुकी है, सो अनदर 15-20 मिनट्स, मे बी हाफ एन आवर, दे शुड बी हियर इन गांधीधाम। चलो हम जाते हैं, फटाफट फैमिली को रिसीव करते हैं। कोशिश करेंगे चाय स्टेशन पे ही पिए, क्योंकि भैया घर पे तो सब सो रहे हैं। फैमिली वापस आ रही है, इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग ऑल टुगेदर। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ के भैया वी एक्सपेक्टेड अ सैड न्यूज़ जब सब दिल्ली निकले थे कि भाई बुरी खबर आने वाली है या आ गई है, बट थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा है, जो भी है फिंगर्स क्रॉस अच्छा ही रहे। एंड एट द सेम टाइम भाई अपना बच्चा अपने मिसेज सब अपने घर आ जाए वही बहुत है। ट्रांसपोर्ट नगर, अब यू वोंट बिलीव इट, ये पूरा जो पैच है ये पूरा रोड का हिस्सा है, लेकिन मिट्टी डाल के और ट्रक खड़ा करके रोड का ये पार्ट यूज़ ही नहीं कर पाते, हमें रोड का यही पार्ट यूज़ करना पड़ता है जिस साइड में ये ट्रक और मेरी गाड़ी चल रही है। बाकी दूसरी साइड देखो, मिट्टी 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 कर दिया है और टैंकर्स और ये सब जो हैं अभी इन लोगों ने इसको अपनी पार्किंग बना दिया। इतना बड़ा रोड है, पैरेलली अगर देखो तो एक कार एक ट्रक चल सकता है, लेकिन नहीं भैया। तो भाई स्टेशन तो पहुंचे, स्टेशन की चाय पी रहा है। एक्चुअली 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है आला हजरत या भुज बरेली, लेकिन आज 2 नंबर पे लगेगी। तो भैया चल पड़े हैं पीछे की तरफ, क्योंकि एसी का डब्बा पीछे ही लगेगा। ऐसा होता है कि हम पहुंचते हैं और बंदे लोग ट्रेन से उतर रहे होते हैं, आज ऐसा हुआ है कि हम पहले पहुंच गए और बंदे लोग अभी आए ही नहीं है। चलो भाई गाड़ी तो आ गई, अब देखें बंदे लोग कहाँ बैठे हैं, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, थोड़ा सेफ्टी में हो जाते हैं, नहीं तो ये अपने को भी लेकर जाएगी। अच्छा को। अरे अपनी शक्ल तो दिखा दे, है? ओ हीरो, हाथ क्या, शक्ल दिखा शक्ल। अरे 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 तो भाई लोग टाइम हो रहा है 12:15, आज मिसेज आई है, बस अभी तक नाश्ता नहीं मिला, ठीक है। दिल्ली से मेरे लिए क्या क्या दहेज आए मैं बताता हूँ भाई। ये 4 और ये 1, 5, ये 5 टी शर्ट हमारी मिसेज लेकर आई है हमारे लिए राउंड नेक समर्स के लिए।
इन टी शर्ट्स के अलावा हमारी सास ने हमारे लिए ये तांबे की बोतल भी भेजी है। थैंक यू सासू मॉम, मच अप्रिशिएटेड। इसके अलावा ये भी हमारी सास ने भेजा है, इसमें वो बोलती है हम कॉफ़ी रखें या कुछ ठंडा रखें। भैया प्रेस्टीज में काम करते हैं तो कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। और ये उन्होंने पता नहीं क्यों भेजा है, ऐसे हमारे पास 2, 3 या 4 पड़े हैं घर में। मैं तो सोच रहा हूँ इनको यहाँ पे बेच दूंगा लोकल मार्केट में। आप में से किसी को चाहिए तो कमेंट करना। चलो नहाना धोना करते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। फिलहाल कहीं नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये दोपहर के बाद निकलना पड़ेगा। गरिमा की 2-3 बुक्स लानी बाकी रह गई थी, वो ले आएंगे क्योंकि कल से उसको स्कूल अटेंड करना चालू करना है। सो पूरा का पूरा उसका जो करिकुलम है वो लेके स्कूल में पकड़ा देंगे, बच्चे को बुक्स लाना ले जाना ना करना पड़े। हेलो, टाइम हो रहा है 1:45। नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, फिर निकलना है मार्केट। गरिमा की 2-3 बुक्स हैं वो लाना रह गया था, वो लेने जाएंगे। ये फिलहाल निपटाना है, दोपहर के बाद देखते हैं क्या काम रहता है। लो भैया ब्रेकफास्ट, स्वीट बंस साथ में गरम गरम। चलो भाई 1:30 बज रहे हैं और निकल रहे हैं हम। भाई साहब क्या गर्मी पड़ रही है यार। गरिमा की 3 में से 1 बुक हमें मिली है, एंड बाय गॉड ऐसे लोगों के हाथ में एडुकेशन इंडस्ट्री है दैट दे आर लीस्ट बॉदर्ड। बोल रहे हैं तीन चार दिन में फ़ोन करते रहना बुक्स के लिए। ऐसे लोगों के पास इन्होंने अपना बुक स्टोर दे दिया जहाँ पे बच्चों की बुक्स मिल रही हैं, व्हाट टू से। चलो भैया 1 बुक तो मिली, निकले अब यहाँ से तो ठंडा पियेंगे, फिर मिर्ची नींबू लेके घर निकल जाएंगे। फ्लाईओवर का काम जोर शोर से, बस अब ये पूरा 1 ग्रिड लगना बाकी है, अब पता नहीं कब लगेगा। चलो भाई, अरे कार्ड है, क्यों टेंशन ले रहा है। अपन को फाइनली अपने लिए चश्मा मिल गया, जिस अंकल से दुख लेते हैं चश्मा वो वापस आ गए, उन्होंने खोल लिया अपना छोटा सा एंटरप्राइज, तो बिजनेस दे दिया उनको। अब डलवाएंगे 2-व्हीलर में पेट्रोल और फिर बाद में निकलेंगे घर के लिए। भाई पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी डलवा दिया जुपिटर में, अब चल पड़े घर के लिए। भाई साहब क्या तगड़ी गर्मी पड़ रही है, दिल खुश हो गया ऐसी गर्मी पड़ रही है। कोई सुबह तो निकली थी ऐसे। चलो भाई घर आ चुके हैं, टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30। भाई ये चश्मा लिया अंकल से 100 रुपीस। भैया 1 गर्मी भी निकाल दे तो क्या बुरा। वैसे भी अपनी लाइफस्टाइल जो है उसके ऊपर जो रफ एंड टफ चीज़ हैं, जो वैल्यू फॉर मनी चीज़ें ना, वही काम आती हैं। शोशागिरी वाली चीज़ें का कोई वैल्यू नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टूट फूट जाए ना तो बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। और दुख से याद आया 3 बज रहे हैं, खाना नहीं मिला है। चलो भैया लंच आ गया है बड़े दिनों बाद, अपना ये तीखा वाला पापड़ है, शायद मैं नहीं खा पाऊंगा, और बाकी सलाद और प्लेन दाल चावल। भाई लोग टाइम हो रहा है 7:45, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठे हैं, चाय कॉफ़ी करेंगे, मस्त नींद आई दबा के सोए। भले गर्मी पड़ रही थी लेकिन मस्त नींद आई, और कॉफ़ी भी आ गई अपनी। भैया 8:15 मैं और हिमांशु जा रहे हैं थोड़ी देर बैडमिंटन खेलने घर के बाहर। कसम से शरीर की लगी पड़ी बराबर की, हाथ पैर सब दर्द कर रहा है, सारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है। मिसेस ने बोला भैया थोड़ा फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान दो, तो
तो अभी वही करेंगे, खेलेंगे थोड़ी देर। थैंकफुली लाइट चालू हो गई, पहले नहीं थी, शाम को बंद पड़ी थी, अभी चालू हो गई। दे भाई मदन भैया, ये वाली लाइट जो है फॉग वो उड़ गई, देखो इधर वाली, टाइम से इलाज कर दे। रोटी वेस्ट करने की फायदा तो है। चलो 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 फटाफट जाके घूम के आएंगे। भागो 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 भागो। तो भाई लोग घर आ चुके हैं, 10:30 बज रहे हैं, खाना पीना हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोग का भी हो गया हो। भैया कल का दिन जितना मीडियोकर था, आज का दिन उतना ही हैपनिंग गया, और मेरी वीडियोस में आपको पता भी चल जाएगा कि आज के दिन मैंने बहुत मस्ती मारी। वैसे अब सोना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह गरिमा को स्कूल जाना है, सो हम लोगों को एटलीस्ट बाय 7:30 उठना ही पड़ेगा। जैसे कि अपने वीलॉग्स हैं वो शाम को 5:55 पे ही आएंगे। अब से ये भी सोच लिया है कि जो भी शॉर्ट्स रहेगा वो सुबह 9:33 पे ही मैं अपलोड करूँगा। लेट्स सी भैया, एल्गोरिथम को हम लोग समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। अगर हमारे फेवर में जाएगा तो गुड इनफ, नहीं जाएगा तो भैया एक एक्सपेरिमेंट ही है, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस। So good night for now, sweet teams, take care, do like, share, subscribe to the channel if you're enjoying the content, I'll see you tomorrow, bye.